सुहे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइन के एक नए एपिसोड में। जहां दोस्तों मैं आपको 10 काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज भी दोस्तों बहुत सारे टेक न्यूज मालूम चले हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स के बारे में मालूम चला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं यार। तो यार अगर बात कर ले पहले टेक न्यूज के बारे में, पहला टेक न्यूज आ रहा शाओमी की तरफ से। तो दोस्तों शाओमी ने दोस्तों कमाल कर दिया, शाओमी ने दोस्तों अनवील कर दिया है अपना दोस्तों अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी। वो दोस्तों ये जो कैमरा टेक्नोलॉजी है ये थर्ड जनरेशन का, यानी कि दोस्तों काफी इंप्रूव कर दिया है इसको। और दोस्तों ये मास प्रोडक्शन पे जाएगा 2021 से, यानी कि 2021 में जो शाओमी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आएंगे उसमें दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी मिलेगा। और ये दोस्तों सबसे लेटेस्ट है, यानी कि जो ZTE में आपको देखने को मिलता है ना, ZTE Xon 825G में, उससे भी दोस्तों ये एडवांस रहेगा। यहाँ दोस्तों सबसे लेटेस्ट फीचर का इस्तेमाल किया गया, सबसे लेटेस्ट सर्किट्स और दोस्तों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दोस्तों आपको कैमरा का जो दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ लेआउट रहेगा वो थोड़ा चेंज दिखाई देगा, और दोस्तों जो कैमरा की क्वालिटी होगी उतनी ही रहेगी जितना दोस्तों आपको नॉच में देखने को मिलता है या फिर दोस्तों पॉपअप कैमरा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। मैं कहा था ना दोस्तों शाओमी दोस्तों हमेशा सबसे आगे रहता है। तो दोस्तों फाइनली अब शाओमी दोस्तों अनवील कर दिया है, अगले साल से दोस्तों आपको ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में दिखाई देगा। इस साल दोस्तों शाओमी नहीं लेके आएगा दोस्तों अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली Xiaomi की तरफ से कुछ तो दोस्तों आया, वीडियो भी दोस्तों आपको मैं दिखा चुका हूं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले टेक न्यूज के बारे में। अगर दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा Poco X3 की तरफ से। तो दोस्तों आज सुबह मैंने Poco X3 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं। इसमें दोस्तों मैंने आपको सारे स्पेक्स बताए हैं, इसके क्या प्राइसिंग होगी, कब लॉन्च होगा, सब बताया हूँ। ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करके देखो और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट कर लो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ। तो दोस्तों Poco X3 का दोस्तों नया रेंडर्स आ चुके हैं। एक्चुअली दोस्तों ये पुराने रेंडर्स ही हैं। इसमें दोस्तों जो एंगस काय है वो दोस्तों यहाँ बोलते हैं कि ये चारों रेंडर्स में से कोई एक दोस्तों सेलेक्ट किया जाएगा, हो सकता है ऑफिशियल रेंडर इसी में से किसी का हो जाए। अभी दोस्तों बहुत सारे रेंडर्स घूम रहे हैं, फैन मेड है, इसमें से दोस्तों सब लोग बोल रहे हैं कि इसी में से किसी एक को दोस्तों चूज करेगा Poco। अब पता नहीं ये दोस्तों कितनी बार सच्चाई है, अब कितना फेक है मुझे भी नहीं पता। गैस करने के लिए बोल रहे हैं एंगस काय कि इसमें से दोस्तों कौन सा कैमरा सेटअप हो सकता है ऑफिशियल कैमरा सेटअप। अब सब लोग कह रहे हैं कि जो Poco X3 रहेगा उसका कैमरा सेटअप काफी डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू जो दोस्तों अभी नॉर्मल स्मार्टफोन्स आते हैं क्वाड कैमरा सेटअप वाले। मेरे को लग रहा है दोस्तों जो अभी जो ब्लैक कलर का जो घूम रहा है ना उसी का दोस्तों सब लोग कह रहे हैं कि उसी की तरह मिलता जुलता रहेगा, वो दोस्तों काफी मैच करता है ऑफिशियल कैमरा रेंडर से। तो दोस्तों देखते हैं ऑफिशियल कैमरा रेंडर्स अभी जल्द से जल्द आ जाएंगे, थोड़े दिन बचे हैं, अब थोड़े दिन में दोस्तों ऑफिशियल रेंडर्स आ जाते हैं। तो दोस्तों जो भी इसके रिगार्डिंग में अब न्यूज आएगा तो मैं आपको अगले टेक न्यूज में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोस्तों फाइनली iPhone 12 Pro Max के सारे स्पेक्स बाहर आ चुके हैं। इसकी क्या प्राइसिंग है ये भी दोस्तों मालूम चल गई है। तो दोस्तों जल्दी से मैं बताता हूँ, 6.7 इंचेस का आपको OLED स्क्रीन दिखाई देगा जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। और यहां पर अगर बात कर ले प्रोसेसर के बारे में तो एप्पल का लेटेस्ट A14 बायोनिक चिप मिलेगा जो दोस्तों काफी पावरफुल है। यहां पर आपको दोस्तों 458 की PPI देखने को मिलेगी, लाइडर सेंसर देखने को मिलेगा और दोस्तों यहां पर आपको जो बैटरी सेक्शन होगा ना, बैटरी पर दोस्तों आपको सबसे बड़ी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों इतनी बड़ी MAH की नहीं, जो iPhones पुराने हैं उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा MAH की होगी। अब कितने MAH की होगी ये नहीं मालूम है, लेकिन दोस्तों आपको ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी। और यहां पर दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। जी हां दोस्तों अभी तक यही मालूम चला है, सब तो कह रहे हैं क्वाड कैमरा मिलेगा लेकिन दोस्तों अभी ट्रिपल कैमरा के बारे में मालूम चला है। और दोस्तों जो प्राइमरी कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का होगा। और अगर प्राइसिंग की बात कर ले तो 80,600 रुपए की प्राइसिंग रहेगी बेस वेरिएंट की, अभी तक दोस्तों यही मालूम चला है। US की प्राइसिंग है या इंडिया की दोस्तों नहीं मालूम है मेरे को। तो दोस्तों यार काफी अच्छे स्पेक्स हैं, बस दोस्तों यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप अगर हो जाएगा तो काफी अच्छा लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर नॉच भी दोस्तों काफी छोटी होगी क्योंकि दोस्तों वीडियो लीक हुआ था ना तो उसमें दोस्तों दिखाया गया था कि वहां पर नॉच काफी छोटी है और दोस्तों उसकी जो चौड़ाई है थोड़ी कम है। तो दोस्तों अगर इसके रिगार्डिंग में कोई और अपडेट आता है तो दोस्तों मैं आपको अगले टेक न्यूज में बता दूंगा। अगर दोस्तों अगले टेक न्यूज के बारे में बात कर ले तो Realme 7 के सारे स्पेक्स बाहर आ चुके हैं। वैसे भी दोस्तों मैं Realme 7 Pro के ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं, आई बटन पे क्लिक करके जाके देखो, और Realme 7 के ऊपर भी बना चुका हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेक्स के बारे में। और ये दोस्तों ऑफिशियल स्पेक्स है, 6.50 इंचेस का आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला आपको IPS LCD स्क्रीन मिलेगा। जी हां दोस्तों AMOLED स्क्रीन नहीं है, AMOLED स्क्रीन आपको Realme 7 Pro में देखने को मिलेगा। उसमें दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट होगा, और यहाँ पर हीलियो का G95 SoC फुल्ली कंफर्म हो चुका है। दोनों जो स्मार्टफोन है नए SoC के साथ आएंगे, और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा सोनी के IMX682 सेंसर के साथ। मैंने कहा था ना यहाँ पर दोस्तों आपको सोनी का कैमरा देखने को मिलेगा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो होगा, 5000 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। प्राइसिंग के बारे में तो दोस्तों अभी तक मालूम नहीं चला, लेकिन सब लोग कह रहा है कि Realme 7 दोस्तों आपको 15,000 से 16,000 की रेंज में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, और जो 7 Pro रहेगा आपको दोस्तों 17,000-18,000 के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगर दोस्तों इसकी प्राइसिंग सही हो गई ना तो दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन कमाल धमाल मचा देंगे। वैसे भी दोस्तों सब लोग Realme 7 से उम्मीद लगा के रखे थे कि ये 5G स्मार्टफोन होगा, लेकिन दोस्तों दोनों 4G हैं, तो दोस्तों यहाँ पर वही दोस्तों जनरेशन के स्मार्टफोन है। मे बी दोस्तों Realme 8 सीरीज जो होगी उसमें दोस्तों 5G आपको सपोर्ट मिले, लेकिन दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज में आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 5G लेके आएगा। अब दोस्तों देखते हैं, कोई और अपडेट आता है तो मैं दोस्तों आपको अगले टेक न्यूज़ में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा है दोस्तों Redmi 9i की तरफ से। तो दोस्तों ये भी नया स्मार्टफोन है, ये भी लॉन्च होने वाला है, ये दोस्तों जो ग्लोबल Redmi 9a है उसका दोस्तों ये रिब्रांड बन के आएगा। अब दोस्तों कितने सारे Redmi 9 आएंगे मुझे भी मालूम नहीं है। इसमें आपको दोस्तों 6.53 इंचेस का HD+ IPS LCD स्क्रीन मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी, 10 वॉट का चार्जर, हीलियो G25, और दोस्तों यहाँ पर और कुछ बताने लायक नहीं है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन रहेगा ये दोस्तों एकदम बेसिक रहेगा, Realme C सीरीज से भिड़ने आएगा। वैसे भी दोस्तों अभी जो नया स्मार्टफोन लॉन्च किया उसके जगह पे आप Redmi 9 Prime खरीद लो सही रहेगा। वैसे भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं यार, पता नहीं क्या Redmi और Realme क्या कर रहे हैं। बजट कैटेगरी के जो स्मार्टफोन एंट्री लेवल के है ना, जो 7,000 से 10,000 का रेंज है, उसमें हजारों स्मार्टफोन भरते जा रहे हैं। इंसान खुद कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन स्मार्टफोन को परचेज करें यार। अगर दोस्तों बात कर ली अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा है Samsung Galaxy Z Fold 2 की तरफ से। तो दोस्तों फाइनली इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुका है, 1 सितंबर को लॉन्च होगा। प्राइसिंग रखेंगे इन लोग 1,75,400 रुपए। इसके ऊपर दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो बनाए, आई बटन पे क्लिक करो, सारे जितने भी दोस्तों एप्पल के जो अनपैक्ड इवेंट के प्रोडक्ट्स है सबके ऊपर दोस्तों एक वीडियो बना चुका हूं, एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो है, उसको जाके क्लिक करके देखो, आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम चल जाएगा, क्या खामियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, सब बताया हूं। तो दोस्तों जाके जरूर से उस वीडियो को चेकआउट करना। अगर दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा Sony Xperia 5 2 की तरफ से। ये दोस्तों नंबर 2 होता है, ठीक है, पार्ट 2, रोमन अंक वाला जो 2 होता है ना, उस टाइप का 2। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये दोस्तों 17 सितंबर को लॉन्च होगा। सोनी का दोस्तों एक लॉन्च इवेंट है, वहां सोनी Xperia 8 लाइट नहीं लॉन्च होगा, वहां पर दोस्तों सोनी Xperia 5 2 लॉन्च होगा। स्पेक्स की बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों 6.1 इंचेस का HD+ वाला आपको एक HDR OLED स्क्रीन देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, और यहाँ पर दोस्तों 21:9 पे बेस्ड होगा, तो स्मार्टफोन काफी लंबा होगा। सोनी का दोस्तों यही ऐसा ही स्टाइल का स्मार्टफोन बनाता है जो दोस्तों काफी लंबे होते हैं, बेजल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड में। तो दोस्तों सोनी अपने ख्यालों में जीता, उसको दोस्तों फर्क नहीं पड़ता कि बाकी स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स कैसे स्मार्टफोन बना रहे हैं, उसको अपने स्टाइल में बनाने का अच्छा लगता है तो वैसे ही बनाता है वो। अगर बात कर लें कैमरास के बारे में तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, तीनों कैमरास जो है वो 12 मेगापिक्सल के रहेंगे। पहला कैमरा रहेगा प्राइमरी कैमरा, दूसरा रहेगा अल्ट्रा वाइड एंगल, तीसरा रहेगा टेलीफोटो, और सेल्फी कैमरा का दोस्तों अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम चला है। और दोस्तों स्नैपड्रैगन का 865 का SoC देखने को मिलेगा, 17 सितंबर को लॉन्च होगा। स्मार्टफोन के स्पेक्स तो ठीक ठाक है, प्राइसिंग अगर सही रख लेंगे तो सोनी के जो फैंस है उसको जाके बाइक कर लेंगे। आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप सोनी के स्मार्टफोन्स के बारे में क्या सोचते हो। अगर दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगला टेक न्यूज आ रहा है टिकटॉक की तरफ से। तो दोस्तों टिकटॉक को खरीदने वालों के लाइन में माइक्रोसॉफ्ट तो खड़ा ही था, साथ में दोस्तों वॉलमार्ट भी आ चुका है। अब दोस्तों वॉलमार्ट भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो भी दोस्तों खरीदना चाहता है टिकटॉक को, वो भी बीटिंग करेगा। अगर दोस्तों कोई टिकटॉक को खरीद लिया ना यार, वो हर जगह से अनबैन हो जाएगा इंक्लूडिंग टू इंडिया। तो दोस्तों बहुत ही डरावने वाली बात है यार, यहाँ पर सब टिकटॉक को खरीदने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही है, क्या पता दोस्तों कोई ना कोई खरीद ले। मैं तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई कंपनी टिकटॉक को खरीदे या टिकटॉक बैन हो जाए, सही रहेगा। आप दोस्तों क्या चाहते हैं मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा गूगल असिस्टेंट स्नैपशॉट की तरफ से। ये दोस्तों एक नया अपडेट है, आपको दोस्तों सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग टू एंड्रॉइड एंड iOS।
तो दोस्तों बहुत अच्छा अपडेट है यहाँ पर दोस्तों। आप जो बर्थडेस रहेंगे या फिर कोई रिमाइंडर्स रहेगा या फिर कोई डिनर या फिर दोस्तों कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको दोस्तों वो याद दिलाएगा। आप दोस्तों कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, यानी कि मेरे को ये चीज याद दिला देना, और वॉइस कमांड के थ्रू भी दोस्तों आप कर सकते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मेरे को उस दिन याद दिला देना। बहुत सारा अच्छा अच्छा फीचर्स के साथ दोस्तों ये अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों गूगल असिस्टेंट के जो पावर है और इनहेंस हो गई है, तो दोस्तों यहाँ पर आप बहुत काम कर सकते हैं, तो अच्छा फीचर है। और वैसे भी दोस्तों ये सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज जो सेलेक्ट करके रखे रहेंगे स्मार्टफोन उनके लिए आएगा, उसके बाद दोस्तों जो बाकी लैंग्वेज है उसके लिए आएगा, यानी कि पहले इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आएगा, फिर बहुत दिन बाद या फिर थोड़े दिन बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बाकी लैंग्वेजेस के लिए। तो दोस्तों अगर आप यूज करते हैं गूगल असिस्टेंट के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों बात कर ले फाइनल अपडेट के बारे में, फाइनल अपडेट आ रहा वन प्लस वॉच की तरफ से। तो दोस्तों मुद्दा वन प्लस वॉच का नहीं है, वन प्लस वॉच तो IMDS सर्टिफिकेशंस पे पकड़े गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वन प्लस वॉच रहेंगे वो दोस्तों वन प्लस 8T सीरीज के साथ लॉन्च होंगे। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स तो अभी ऐसे ही कहते हैं, वन प्लस 8T सीरीज के साथ आपको वन प्लस वॉच दिखाई देंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर भी दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ कि वन प्लस 8T सीरीज में आपको क्या स्पेक्स देखने को मिल सकते हैं, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके जरूर से देखना। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लग गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको आज का टेक न्यूज कैसे लगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करना, और दोस्तों ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो, मैं ऐसे ही आपको लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर देखा करो, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.